हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों, आज हम सिंपल सी एक बात करने जा रहे हैं कि मेरे पास एक डेटा है, मुझे इस डेटा का एक रिपोर्ट बना के मेल करना है आउटलुक के थ्रू, और वो मेल वर्डी के ऊपर पेस्ट करके करना है। तो कैसे करना है, चलिए हम बताते हैं आपको। ये आपके सामने मेरा डेटा है। सबसे पहले तो इस डेटा के ऊपर मैं पिवट लगा देता हूँ। पिवट लगा दिया, पिवट में मैंने कोर्स वाइज, एरिया वाइज, और ये हमारा क्वांटिटी का टोटल ले लिया। और इसको हम थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसको चार्ट्स में ले लेते हैं। और चार्ट्स में लेने के बाद चार्ट्स को थोड़ा सा यहाँ हम बड़ा कर, ऊपर हम जाते हैं फॉर्मेट में, और यहाँ से डिजाइन में, और यहाँ से चार्ट की अच्छी खासी डिजाइन ले लेते हैं। उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ कि नेम, हमने नेम को रख दिया फिल्टर। अब राइट क्लिक करके रिमूव हाइड कर देते हैं ऑल फील्ड, ताकि हाइड हो जाए, और इसको भी यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। तो ये रिपोर्ट हमारा बन गया। अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास लिस्ट ऑफ द नेम है, मतलब यहाँ पे मैंने उसे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करके, और यहाँ रिमूव, यहाँ पे डेटा मेनू बार में रिमूव डुप्लीकेट होता है कर दिया। तो डेटा मेरा प्रिपेयर हो गया हुआ है। इतने सारे नेम है और सबकी ईमेल यहाँ पर है, ईमेल जैसे कि IPP दिल्ली 1@gmail.com, और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। एक मिनट, IPT कर देते, पूजा सेलेक्ट कर देते हैं वहां पे। अब सबकी ईमेल आईडी तो हम डाल नहीं सकते क्योंकि रिकॉर्ड लाइव हो रही है, और ईमेल आईडी जो है पब्लिकली हम किसी को दे नहीं सकते। सो वी हैव क्रिएट द वन ईमेल आईडी, तो मैं डमी ईमेल आईडी लगा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे स्पेस है तो ईमेल आईडी में स्पेस होता नहीं है, तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट लगाते हैं, और सब्स्टिट्यूट के जगह पे हमने बोला इसके अंदर अगर स्पेस, इसके अंदर स्पेस को हमें अंडरस्कोर कर देना, तब मेल चला जाएगा। सिंपल सा आ गया। अब मुझे करना क्या है कि अपने यहाँ पे पीवट वाले शीट पे हमें जाना है। ये पीवट वाला शीट, पीवट शीट पे जानी है, और मुझे यहाँ पे पूजा को सेलेक्ट करना है। पूरा डाटा ठीक है, पूजा के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब इस पूरे एरिया को मैं यहाँ से करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद जीमेल पे जाना है, न्यू मेल पे, इसमें आउटलुक पे जाना है, और यहाँ पे हमें उसको पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे सब्जेक्ट मेल आईडी डाल के सेंड कर देना। अब एक काम मुझे हर नेम के लिए चाहिए, और ये ऑटोमेटिक चाहिए, और साथ में इसका अटैचमेंट भी हमें चाहिए होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिंपल ही काम करना है। तो कैसे होगा, तो डोंट वरी होगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आता हूँ पेज लेआउट में, और इसकी बैकग्राउंड डिजाइन हटा देता हूँ। इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ जो एरिया हमें मेल पे भेजना है, इसका नाम फॉर्मूला जाके डिफाइन नेम कर देता हूँ, और इसका नाम डाल देता हूँ MAL, एम कर देते हैं MM। अब इसको जो है हमें कोडिंग करनी है, तो इसके लिए हम जाते हैं डेवलपर के अंदर विजुअल बेसिक, इंसर्ट मोडो, और यहाँ पे सबसे पहले तो हमें पिवट में चेंज कर डेटा, डेटा हो गया, पिवट हो गया, ये हमारा हो गया लिस्ट। तो लिस्ट शीट से जो है नाम और ईमेल आईडी उठाना, तो हमें फोर लूप चलता है, यहाँ पे फोर लूप चलना है कि भाई 2 से लेके चले कहाँ तक, 23 तक। तो सब्जेक्ट यहाँ पे मैं डालता हूँ RR/1 ब्रैकेट ओपन क्लोज। बहुत ही मजेदार चीज बता रहा हूँ, आप लोग लाइन पे रहिएगा।
आप लोग अगर लीव करते हैं तो बहुत अच्छी टॉपिक से आप मिस कर जाएंगे, इसलिए प्लीज आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहे और देखते रहे। हमने 4 I यहाँ पे लिखा, I इक्वल टू चले 1 2, और कितना था हमारा 23। और 1 से 2 से करेंगे क्योंकि 1 तो हेडिंग था ना, इसलिए 2 से करेंगे। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट आई। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है कि यहाँ पूजा को उठा के पिवट के अंदर में मुझे फिल्टर करना है, तो कोड क्या होगा? अब मैं लिखूंगा तो आपको याद करनी पड़ेगी, उससे अच्छा है कि मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मैंने रिकॉर्ड किया और यहां से मैंने सेलेक्ट कर लिया मोहन को और इसको रिकॉर्डिंग को कर दिया स्टॉप। स्टॉप करने के बाद मॉड्यूल 2 में देखिए कोड बन गया, एक्टिसी पिवट टेबल, पिवट टेबल 6, फील्ड नेम क्लियर फिल्टर, और यहाँ पे करंट इज मोहन। तो यहाँ हम ए वाले लाइन को ले लेते हैं और यहाँ देते हैं सिंपल सा कि करंट पेज मोहन, और जो मोहन है ना इस मोहन के जगह पे देंगे शीट्स। शीट्स में आ जाएगा हमारा लिस्ट, और लिस्ट के अंदर हो जाएगा डॉट रेंज, और रेंज में हमारा क्या हो जाएगा ए के साथ आई, आई डॉट वैल्यू। ये ऑटोमेट हो गया कि हर बार फिल्टर करता रहेगा, फिल्टर हो गया। अब बात करते हैं हम मेल करने की। जी हाँ, मेल करने की हम बात करते हैं। तो यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे लिखना है एक्टिव वर्क बुक डॉट एनेबल एनवेलप विजुअल होगा, माफ कीजिएगा, इक्वल टू ट्रू। अब यहां पे देना है विथ जो हमने रेंज लिया था, रेंज, और रेंज का नाम क्या था एम एम डॉट पेरेंट, पेरेंट डॉट, अभी से मेन एनवेलप आपको जो है ना मिनिमली लिखना पड़ेगा, आएगा नहीं लिस्ट में। तो लिखना है मेल, एम आई एल मेल, ई एन वी ई एल ओ पी ई, मेन एनवेलप डॉट आइटम। अब ये हो गई विथ कमांड में लगाया, क्योंकि बहुत सारे कंडीशन थे इसलिए, और इसमें डालता हूं मैं टू डॉट टू इक्वल। अब इसके लिए जो मेल आईडी होगा हमारा, ए मेल आईडी यहां से होगा, इसको कॉपी किए यहां पे, इसको एक जगह पे हम कर देंगे बी, क्योंकि दूसरे कॉलम में बी डॉट वैल्यू। सीसी डाला है तो सीसी कर दीजिए, नहीं डालना है तो डालने की जरूरत नहीं है। बीसीसी करना है तो बीसीसी कर दीजिए, नहीं डालना है तो डालने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे सब्जेक्ट एस यू बी जे ई टी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इक्वल टू यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट और डॉट सेंड। इस डॉट सेंड डालना मत भूलिएगा यहाँ पे, और डॉट सेंड से पहले मुझे अटैचमेंट भी मान लीजिए डालना है, हालांकि मुझे इस एग्जांपल में अटैचमेंट नहीं डालना है, बट आप भी अटैचमेंट डाल सकते हैं। इसके अटैचमेंट के लिखना होगा डायरेक्ट ए टी टी A C H M E N T S attachments होगा, ध्यान रखेगा dot add, और यहाँ पे आपको डालना होगा path। फिलहाल मेरे पास attachments नहीं है तो मैं इसको dead कर देता हूँ, सिंगल को लगा path और फाइल पता। अब यहाँ पे कर देते हैं and with। अब मैं एक काम करता हूँ, पहले तीन भेज के देखता, एक भेज के देखता हूँ सिंपल सा, ताकि एरर पता चल जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप करें तो ये आपका मेल वाला सीट जो है एक्टिवेट होना चाहिए। तो हम इसको माइक्रोज में जाके RR1 को सेंड पर क्लिक करते हैं। गजब है, चला गया, यहाँ देखिए आउटबॉक्स में पड़ा हुआ चला गया सेंड आइटम, बट अटैचमेंट में ये नहीं आया, डेटा तो आ गया लेकिन मेरा ग्राफ नहीं आया।
ग्राफ जो है वो नहीं है। ग्राफ नहीं आया तो मुझे थोड़ा सा एमएम एमएम का रेंज जो है बढ़ाना होगा। तो फॉर्मूला वार में डिफाइन नेम में एमएम का रेंज जो एक्स तक है इसको हम जेड तक कर देते हैं, 27 है इसके जगह पे हम यहाँ पे 30 कर देते हैं। अब एक बार करके देखते हैं, अब आया तो रेंज है। अब जैसे डियर सर वगैरह लिखना है तो आप इसी यहीं पे ऊपर में यहीं पे लिख दीजिए और नीचे रिगार्ड्स वगैरह, इसमें यहाँ पे रिगार्ड्स को लिखना है तो नीचे आप रिगार्ड्स वगैरह लिख दीजिए तो ऑटोमेटिकली आपका मेल चला जाएगा। अब मुझे सबको भेजना है तो मुझे बस क्या करना है, यहाँ 3 के जगह पे 23 कर देना, या फिर यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, ये वाला मेथड एक और मेथड हम दे सकते हैं आगे। अब आई के जगह पे हम कर देते हैं $65,001.and excel up. तो ये फाइनल हो गया, 23 को हटा दीजिए। एक बार क्लिक करते ही सब जितने भी आपके सीट के ऊपर डेटा है उसको मेल बॉडी पे पेस्ट कर देगा, साथ में अटैचमेंट कर देगा और उसको सेंड कर देगा। जो हम मेल मर्ज के थ्रू करते थे तो मेल मर्ज में होता क्या था कि एक पर्टिकुलर एरिया नहीं पूरी सबको जाता था और साथ में आपका यहाँ पर प्रॉब्लम होती थी कि अटैचमेंट अटैच नहीं कर सकते थे, लेकिन इस माइक्रो के जरिए आप ये भी कर सकते हैं। और आप लोगों के मजेदार लगा होगा क्योंकि तो हमने यहाँ पे सब कुछ डालने की कोशिश की है और सब कुछ करने की कोशिश की है। शायद आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे है। साथ में आप मेरे साथ क्लासेस लेना चाहते हैं तो क्लासेस भी ले सकते हैं, हम जूम के थ्रू जो क्लासेस देते हैं या फिर मेरे मोबाइल ऐप पे जाके क्लास ले सकते हैं। एक्सेल इमेज ट्रेनिंग सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे तो मेरा मोबाइल ऐप आ जाएगा, या फिर डायरेक्टली मुझे कॉल कीजिए और मुझसे संपर्क कीजिए। थैंक यू।